उसके यहाँ डेवलप ही नहीं हुए थे। तो इसने क्या किया, उसने निर्माण किया, उसको बिल्ड किया, उसने इतना मजबूत बना दिया कि अब उसके ऊपर किसी भी चीज का दुष्प्रभाव नहीं आता। तो बिल्ड करती है लेकिन इसमें वक्त लगता है, तो 1 से 30 दिन, 1 से 12 महीने इसमें लगते हैं बैलेंसिंग का, उसके बाद बिल्डिंग, आखिरी जो काम होता है 1 से 3 साल में रीजनरेशन या रिवाइटलाइजेशन, जो आपके अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए या पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे उनको काम करने के लायक बनाती है। तो अगर ये पांचों चीजें आपके शरीर में होते रहे तो क्या आप बीमार हो सकते हैं? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? शरीर का शुद्धिकरण भी किया, शरीर में क्या क्या रोग है उसके बारे में बताया, अब रोग कैसे मालूम पड़ेगा, स्कैनिंग कैसे होती है, उदाहरण दे किसी का लिवर खराब है और उसने डिएक्शन गेनोग्रामा का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसकी आंखों में लाली भी आ सकती है, पीला भी आ सकता है, जैसे पीलिया के मरीज या शराबी की आंखें, पीलिया के मरीज की आंखें पीली होती है, शराबी की आंखें लाल होती है, तो ये सदर से ये रिफ्लेक्शन लिवर का रिफ्लेक्शन आंखों पे आता है। वैसे ही अगर आपके शरीर में दिल में तकलीफ है तो यहाँ पे सीने में दर्द या हाथ में भारी बना सकता है, अगर आपके शरीर में से पसीना बहुत आ रहा है तो टॉक्सिन्स है वो निकाल रहा है, अगर आपके पेशाब बार बार आती है मिक्स किडनी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, उसको करने लायक बनाती है, इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, आपकी पेशाब किडनी से देख लेती है, आप देख लीजिए 15 से 20 मिनट में आपको यूरिन आने लगे। कई लोग हमारे पास आते हैं जिनको पेशाब नहीं उतरती है, उनको कॉफी या चाय पिलाते हैं तुरंत आ जाते, कई लोग वो नहीं पी पाते तो इसकी गेहूं की पेस्ट आती है, वो पानी में घोल के पूरी नाराज का टेस्ट आता है वैसे पिला दिया उससे भी यूरिन पास होता है, तो एक छोटी सी चीज इसकी कोई कीमत नहीं है लेकिन वो अनमोल है, भगवान भी अनमोल है, हर एक के दिल में समाया हुआ है लेकिन आप और उसकी कदर नहीं करते। इसी तरीके से गेनोडर्मा भी प्राचीन जड़ी बूटी, नया दरवेश आज उसको अपना राज करते, देखो इसकी कहानी देखा जाए तो 5 वर्ष 1000 वर्ष पुरानी है, राजा राम के जमाने में भी ये औषधि होती है। देखो राम आपको याद होगा, लक्ष्मण जी मोर्चे जो थे, हनुमान जी को आदेश होता है कि जाइए हिमालय की तराई में और चमकती हुई जड़ी बूटी लाइए, तो चमकती हुई जड़ी बूटी क्या थी? संजीवनी। लेकिन उसको जानकारी नहीं थी, उन्होंने क्या किया, बोले इतनी सारी चमकती जड़ी बूटी कौन सी ले जाओ, चलिए बाहर लाके वैद्य के सामने रखा कि इसके से आप सुनिए आपकी वो कौन सी जड़ी बूटी है, वही काम डॉक्टर लिम से जिसने किया, वो आज के जमाने के मॉडर्न हनुमान है, उन्हें वो हर काम किया, उसकी रिसर्च की किस तरीके से आपको लाभ दे सकती है और आकर के आपको ये बताया। 1983 से लेकर 93 तक रिसर्च करने के बाद जाके कंपनी की स्थापना की और 2000 में हिंदुस्तान में आई, आज 180 मुल्कों में अपना साम्राज्य कायम कर चुकी है एक कंपनी, अगर इतने छोटे हिस्से में और जिसकी तरह जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियों में 25th नंबर है, तो ये बादाम कैसे चल के वक्त बोले थे तो 80 और 100 नंबर था, तो 12-13-16 साल के अंदर वो 25वें बादाम में आई है और आने वाले दिनों में नंबर वन बनने वाली है। जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य दे रही है, बीमारी से बचा रही है, एक दिन तो दूर नहीं जिस दिन अपन इसको नंबर वन दे, ये सब संभव हो सकता है। तो 5 चीजें आपको मालूम पड़ेगी, 5 का आंकड़ा है, हर जगह 5 मिलेगा, एक कोष भी अगर देखेंगे ना, भोजन भी देखेंगे उसमें भी 5 तत्व होते हैं। एक छोटी सी बात है, भोजन के बारे में कोई जानता भाई, तंदुरुस्त रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन, शुद्ध वायु चाहिए और जल चाहिए, अग्नि भी चाहिए जो खाना बचेगा और पानी, भूमि के ऊपर अपन स्थापित हैं, गगन वायु अग्नि और वीर ये सब चीजें अगर मिल गई तो इसी तरीके से भोजन के अंदर भी 5 प्रकार होते हैं, साइंस के बच्चे हैं शायद वो जानते हैं, प्रोटीन दालें अपन दूध लेते हैं प्रोटीन होते हैं, उसके बाद फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक शरीर के जो कोश बनते हैं या सेल या ब्लड जो बनता है सब प्रोटीन से बनता है,
आपके इम्यून सिस्टम जो है वो भी प्रोटीन से बेस से बनता है, आपके जो शक्ति बनाता है आपको एनर्जी देता है वो प्रोटीन देता है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा जो जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाले पदार्थ लेते हैं, दालें लेके नॉनवेज ले सकते हैं। तो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, आप और हम सब कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, अन्न उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, शक्कर चीनी लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, गुड़ लेते हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट है। एक कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग वेरायटी, वो भी तीन वेरायटी, एक मोनोसेक्राइड जिसे ग्लूकोज है, डाइसेक्राइड शुगर है, और पॉलीसेक्राइड जो फलों के अंदर सब्जियों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं उसको पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन शुगर बोलते हैं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि तंदुरुस्त रहने के लिए आपको कम से कम 500 ग्राम प्रतिदिन फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे कितने लोग हैं जो 500 ग्राम फल प्रतिदिन खाते हैं? एक दो जो पांच सेकंड के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो याद रखें जो फल खाएगा जो सब्जियाँ खाएगा पॉलीसेक्राइड उससे आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है, टॉक्सिन निकलते हैं। लेकिन फलों का खाने का भी आजकल सिस्टम बदल गया, लोग रात में खाते हैं जबकि उनको दिन में खाना चाहिए। हमेशा खाने के पहले फलों को लेना चाहिए, कई लोग खाने के बाद खाते हैं जो फल जल्दी पच जाते हैं। अगर खाने के बाद दिया तो फल तो पच गए, खाना वहीं पड़ा रहता है, सड़ता रहता है और आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों को आजकल होता है गैस की प्रॉब्लम, इसके लिए ना एकदम में पेट साफ नहीं होना। अगर आप फल पहले लेंगे, सब्जियाँ सलाद ककड़ी मूली गाजर टमाटर प्याज जितना भी है, सेब फल हर जगह मिलता है, पपीता बारहमासी है, इस समय तो बाहर है ककड़ी फूट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स घी तेल मक्खन सभी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है कि रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी, मेरे पास बहुत सारा है। ये क्या है? बैंक बैलेंस है मेरे पास, विरासत में मिला करो, खानदानी घर का सबसे दुखद आदमी अंदाज लगाइए, दूसरे लोग कैसे होंगे सबसे दुखद आदमी होंगे, उम्र में भले ही बड़ा हो लेकिन सबसे दुखदा हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास ये रिजर्व है, आप अगर दो चार चीजें पूछे भी रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इमरजेंसी सोर्स जैसे आपके बैंक बैलेंस है, अगर अच्छा होगा काम धंधा नहीं भी चल रहा तो भी आपका काम चल जाएगा। विटामिन मिनरल्स क्यों जरूरी है? आपके शरीर में जो भी गतिविधियां चलती हैं विटामिन और मिनरल्स की उपस्थिति, समाज के अंदर अगर अपन रहते हैं तो अपने ऊपर कोई ना कोई हेड होगा, बीमारियों से लड़ने की मदद करते हैं। जब आपका खाना सही तरीके से पचेगा, सिस्टम से ज्यादा से काम करेगा, एंडोक्राइन लेवल है हाँ, और उसके बाद सॉलिड्स होते हैं उसमें मिनरल्स है, कैल्शियम है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये आपको फलों में मिलते हैं, आंवला खाते हैं कई लोग, आंवले में कितने सारे विटामिन सी का आयरन है, उसके अंदर ये सब जितने भी सॉलिड्स हैं वो मिलते हैं, जिंक भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन सी के साथ भी, ये सब चीजें। तो इस तरह से अगर फल आप लेते हैं चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, अगर आप चेस्टनट जैसे बोलते हैं अपन, अखरोट है वो खाते हैं, बादाम खाते हैं, किशमिश किशमिश खाते हैं, जींस खाते हैं, तो इसके अंदर आपको सॉलिड्स मिलते हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और फैट्स भी मिलती है, जो संपूर्ण आहार है। लोग मजाक उड़ाते हैं आप क्या खा रहे हो, उसकी जगह मूंगफली खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मूंगफली में नट है, ड्राई फ्रूट में सब जितने भी आते हैं नट्स भी होते हैं या रेजिंस होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर चीज मालिक ने बनाई है आपके उपयोग के लिए। लेकिन आप और हम आजकल क्या खाते हैं, क्या खाते हैं? समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक तो फटाफट बाजार में सस्ती वाली मिलती है 10 रुपए की बोतल है, ठंडा मस्त कोका कोला बोलते हैं, पेप्सी पिएंगे, स्प्राइट पिएंगे, रसगुल्ला खाएंगे जिसके अंदर इतनी शुगर है। कल ही टीवी पे आ रहा था, अगर आप लोगों ने देखा हो मेरे पास पीएमओ जीडीपी का, कि किस तरीके से कोला ड्रिंक आपको नुकसान देता है। हम सालों से क्या करें, अभी नहीं 2005 में भी हमें मालूम था, लेकिन अब क्या है साल साल के बाद वो रिपीट होना जरूरी है, करते करते अभ्यास के जड़ मत हो सका, रिपीटिशन मींस रिटेंशन, बार बार अगर अपन ने चीज को दोहराओ तो इसलिए कि ये इसके आपके भेजने में चलेगा। किताबों में तो सब लिखा होगा लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं है किताबों को लेके पढ़े, उसको समझे, तो उसके लिए
यहाँ पे कई लोग होंगे जो बैठे तो यहाँ है लेकिन वहाँ पे सो रहे, तो उसके लिए जगाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में तालियां बजाते हैं। तंदुरुस्ती को बरकरार रखना है, करंट पैदा होता है, आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई आपके पास उपचार नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, एक चीज पे विश्वास कीजिए, उसका सेवन करना शुरू कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, और वो चीज देकर प्राचीन गर्भ से मैंने बताया मलेशिया में पैदा जिसकी यह पौधा है बड़ा पवित्र, जिसने भी भरोसा करके गेनों से प्यार किया, गेनों ने भी प्यार किया, सबने रोजगार भी किया, और रोजगार के लिए करना क्या है, जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ, इसके लिए तैयार किया, इज्जत मान बढ़ा इसने और सबको सम्मान दिया, एक छोटी सी जड़ी बूटी विश्वास के साथ अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको रोजगार भी दे सकते हैं। लेकिन पहले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले लें, फिर मैं आपको रोजगार के बारे में बता सकता हूँ। तो अपन कहाँ तक पहुँचे थे, क्या क्या समझ में आ रहा है, आ रही समझ में नहीं आ रही, क्या क्या समझ में आ रहा है, समरी बता। जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पांच बार के पांच बातें जो बताए थे भोजन में तीन तत्व बताए थे, पहले जीवन को जीने के लिए सबसे मुख्य तत्व रहता है भोजन हवा और पानी, उसके अलावा हमको जो टॉक्सिन जो बाहर निकालते हैं गैस करते हैं हाउ टू कंट्रोल निकालते हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण बात बताए थे जो सब लोग जानते हैं यहाँ पर, और इसके बारे में जहाँ तक ये थे कि हमको इसके स्वस्थ रहना है इसके पहले हमको लड़ने के लिए, तो वो चीज़ हमें अनुभव मतलब महसूस हो रहा है कि इससे कोई डर लगना ही इस्तेमाल कर सकते।